एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस बार जो प्लान है स्कर्दू जाना है और स्कर्दू से करना है जी फितूंग पास। स्कर्दू से ये पास जाता है पैदल है 4 दिन का ट्रैक देवसाई। हम देवसाई में लैंड करेंगे एट बड़ा पानी। तो इस बार की तो एक्सपेडिशन थी, प्लान ये किया था कि कुछ नया करते हैं। हर बार गाड़ियों में जाने से बेहतर ये है कि कोई ट्रैक करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किया था K7 और K6 का ट्रैक 2 साल पहले। तो इस बार बहुत जिसे कहते हैं ना कि काफ़ी दिल कर रहा था कि बड़ा ट्रैक करते हैं। तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्कर्दू। इस बार करेंगे जी शतूंग पास। ये एक्चुअल में ये जो पास है ना, ये है शिकरथंग, एक गांव है स्कर्दू में, वहाँ से पैदल जाता है देवसाई में। अच्छा ट्रैक है, काफ़ी इसके मैंने रिव्यूज़ तो अच्छे सुने। चलिए अभी लेट्स सी, अभी जाके देखते हैं। अभी तो बस फ्लाइट उड़ने वाली है इस्लामाबाद से स्कर्दू, 45 मिनट्स की फ़्लाइट है। जहाज की क्वालिटी चलें जी। अभी यहाँ से टेक ऑफ होने लगा है इस्लामाबाद से, तकरीबन 45 मिनट लगेंगे, लैंडिंग हो जाएगी स्कर्दू एयरपोर्ट पे ना। छोटा सा ही फ्लाइट है, इतनी बड़ी नहीं है, तकरीबन आप कह लेंगे 45 मिनट्स लगते हैं। ये भी इसलिए लगते हैं कि ज़रा पहाड़ है, अदरवाइज़ पहाड़ ना होते मेरे ख्याल से 20-25 मिनट पर पहुँच जाता। तो फाइनली अब यहाँ से निकलते हैं जी, और जहाज़ अभी फुल टाइम जो है ना कांटे मार रहा है, अभी टेक ऑफ करेगा वो, फिर पूरे इस्लामाबाद से होते हुए ना चक्कर लगा के मरी वाले एरिए से, गलियात वाले एरिए से होके जो है ना फिर ये सीधा स्कर्दू की तरफ जाएगा। अब यहाँ से जी आप पूरा नज़ारा कर सकते हैं इस्लामाबाद का, ये जो पूरा फतेह जंग वाला एरिया है वो भी नज़र आ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट था ही फतेह जंग के अंदर ना उसी एरिए में। और बाकी अब जो मार्गला हिल्स से के ऊपर से भी गुजरेगा वो भी सारी नज़र आएंगी, और जो भी बर्ड आई व्यू है ना पूरे इस्लामाबाद का वो इस फ्लाइट में ना आपको नज़र आ जाता है। वो जब करेंगे और जाए जा रहे हैं बहुत जल्दी मरी और गलियात के इलाके आपको नजर आएंगे। अच्छा, इस फ्लाइट की जो खूबसूरती है ना वो किसी फ्लाइट में नहीं मिलती। अगर आप कराची जाते हैं तो आपको ये फ़्लाइट इस तरह की नहीं मिलती। ये जो व्यूज़ है ना कराक्रम के और थोड़े बहुत हिमालयाज के, वो आपको मिलते हैं जब इस्लामाबाद से आप स्कर्दू जाते हैं। ये आप राइट साइड पर देखें, अभी तो हम थोड़ा इस्लामाबाद से आगे आए हैं, अभी तो मरी वाला एरिया ख़त्म होगा, दैन उसके बाद मानसहरा, बालाकोट, नारायण कांच, लास्ट दैन स्कर्दू आएगा। लेकिन जो बताने वाली बात है ना कि जब आप इसको लाइव इस फ्लाइट को देखते हैं तो आपके सारे पैसे यहीं पे पूरे हो जाते हैं। तो सबसे जो जैसे कहते हैं ना कि मज़े की फ़्लाइट है और बाकी सीनिक फ़्लाइट उस कर चुकी है कि आप सबसे पहले हवा में से उन जगहों को देखते हैं, तो जब आप उस कर्दू लैंड करेंगे फिर आप वहाँ जा के जब देखेंगे ना तो एक्चुअल जो है ना आपको चस आएगी। ये जो क्लाउड्स के वो उस तरफ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के, क्योंकि ये थोड़ा सा ही थोड़ी सी बेल्ट है, वहाँ जा के फिर इंडिया शुरू हो जाता है और आगे जाके कश्मीर है। तो ये दूर पहाड़ियाँ हैं ना, ये पंजाब जो उनकी रेंज है ना अमेरिका से। अच्छा, राइट साइड पे अभी बालाकोट और मानसहरा आएंगे, नहीं सॉरी अभी यहाँ पे मेरे नीचे एबटाबाद है, उसके बाद बालाकोट और मानसहरा आएंगे, फिर आएगा नारायण कांच। अच्छा, पी आई की फ्लाइट पर कंजूसी बहुत ज़्यादा होगी, वैसे छोटा सा ही दिया है, कुछ और तो नहीं है। लास्ट टाइम मैं आया था तो चीज़ें अच्छी थी, अभी जो है ना सिंगल डिश ही की है, कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही। और सब पहाड़ बिल्कुल, बहुत सारी आपको यहाँ पे वादियाँ नज़र आएंगी, झीलें भी, और नीचे आप देखेंगे तो दरिया भी आपको नज़र आएगा जहाँ से शारा बाबू से टॉप की तरफ जाती है। अभी हम नारान के करीब आ गए और राइट साइड पे ये वो नारान का नाम की पहाड़ी नजर शुरू हो गई है। इन्हीं के बीच में कहीं पे आंसू झील भी आएगी जो पहाड़ों के ऊपर है, और झील सैफ मलूक का नज़ारा भी यहाँ से होता है। से आगे जाएंगे तो नागा पर्वत की पहाड़ियाँ हैं, कि मेघा जलाका खुशा नजर आए, दूर से एक पॉइंट आता है जहाँ से केटू भी नजर आता है। तो अभी जो है ना वो दूसरा वाला इलाका जो है मानसहरा बालाकोट खत्म हो गया, अभी ये जो है ना तो बड़ी पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, नीचे से पूरी दरिया भी नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर दरिया कुमार है। अच्छा, अब जो है ना प्रॉपर पीक्स नजर आना शुरू हो गए हैं, जो नारान और कागान का एरिया ना वहाँ पर प्रॉपर पीक्स हैं जिसके ऊपर थोड़े बहुत ग्लेशियर्स भी होते हैं,
यहीं से आगे जाके मलका पर्वत भी नज़र आएगी जिसके दामन में झील सैफ होगा। तो अभी बस पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है और आगे जाके ये फिर काराकम से मिल जाएगा और उस पर जो है ना फाइनली स्कर्दू में हम लैंड करेंगे। आप देख सकेंगे इस बाबा सर टॉप के बाद सड़क नीचे जाती है और चिलास बहुत करीब है हमारे आगे, ये ऊंचाई में काम है चिलास की बात की। राइट साइड पर देखें जी, ये जो नांगा पर्वत है अभी आपको फुल फेस नज़र आ रहा है, क्लोजर लुक है नांगा पर्वत का जो कि हमारे राइट साइड पे है। कि जैसे ही आप नांगा पर्वत को क्रॉस करते हैं तो फिर जहाज राइट साइड पे बैंक लेता है। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे हम जी स्कर्दू की तरफ, ये सारी सारी हिमालयाज थी ये जो नांगा पर्वत थी। अब जहाज आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड में मुड़ रहा है और हम जा रहे हैं इन साइड पर काराकरम स्टोर्स करते हैं। फिर स्कर्दू के अंदर जाके भी आप ऊपर से वो जो है ना ये शंगरीला वाली साइड है आशू वैली है वहाँ से ऊपर से होके फिर जहाज जाता है। ये इस फ्लाइट का फ़ायदा ये है कि आपको ना पहाड़ियों की टॉप नज़र आती है, पहाड़ियों के टॉप पे क्या चल रहा है, ग्लेशियर्स हैं लेक्स हैं वो आप देख सकते हैं। नॉर्मली आप ड्रोन्स तो देख नहीं सकते ना क्योंकि ड्रोन की भी इतनी हाइट नहीं होती। तो अभी देखें डिफरेंट नाले निकल रहे हैं जो दरियाओं में जा रहे हैं और ये सारी की सारी काराकरम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो काराकरम है ना जितने भी ये वाइट हो जाएंगे, ज़्यादा हाई हो जाएंगी और वहाँ से फिर जो 6,000-7,000 के पीक्स है ना काराकरम्स की वो सब शुरू हो जाएगी। यहाँ से वैसे केटू का व्यू भी आता है लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन अभी ना क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये सामने आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड्स भी जो है ना ख़त्म हो गए हैं और आपको प्रॉपर जो बड़ी मेजेस्टिक पीक्स है ना काराकरम्स की वो यहाँ पर सारी नज़र आ रही है। दाएं जाने पर स्कर्दू बहुत करीब आ गए सामने हमें नजर आ रहे शहर और दाएं जाने पर बहुत जल्दी देखेंगे बाशो की इतनी खूबसूरत वादी जो कि स्कर्दू से कुछ फासले का बने। अब जहाज जो है ना वो जो नांगा पर्वत से राइट साइड पे आगे जाके बैंक इसने राइट लिया क्रॉस किया और अब हम बिल्कुल घूम के आए हैं बाशू वैली के ऊपर से। अब हम जहाज सीधा जो है ना एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे और लैंड करेंगे। ये सारी की सारी जो संगलाद चटाने हैं ना ये भी स्कर्दू की शुरू हो गई। स्कर्दू ऑलमोस्ट हम एंटर हो चुके हैं लेकिन ये स्कर्दू का सबब वाला एरिया जहाँ पर थोड़ा सा गाँव वगैरह होते हैं, मेन सिटी नहीं है। बस थोड़ा सा मेरे ख्याल से 5-1 मिनट रह गए हैं कि बस ये जहाज लैंड कर जाएगा। अभी ये भी स्कर्दू हम एंटर हो गए, नीचे सारा स्कर्दू है, ये डेजर्ट नज़र आ रहा है, इंडस रिवर भी है। यहाँ पे दो कोल्ड डेजर्ट हैं, ये सामने में ख्याल से ये तो सरफरंगा है और थोड़ा सा ये एयरपोर्ट के साथ ही जो है ना एयरपोर्ट के अंदर ही कटपरा डेजर्ट। तो अभी बस आप कह लेंगे लैंडिंग गियर जहाज़ ने खोल ली है, आवाज़ आ गई उनकी और अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 10 नॉटिकल माइल से तकरीबन जहाज जो है ना वो अपनी वो अप्रोच भी बना लेता है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसके अंदर मसला ये है कि घूम फिर के आना होता है जहाज़ में तो अप्रोच का इतना टाइम नहीं होता। अभी यह है कि सामने उसे नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन यह है कि बस जहाज कॉन्टीन्यूसली अभी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये कि बस 90 आसपास ही बस लैंडिंग के तरफ जा रहा है। अब बस ऑलमोस्ट लैंडिंग के ऊपर ही है क्योंकि पूरा मेरे ख्याल से स्कर्दू उसने क्रॉस कर लिया, सारा दरिया जो इंडस रिवर है वो साथ चल रहा है, छोटी मोटी जो वैलीज है ना बाशू वैली चुंदा वैली ये सारी नज़र आती है जो राइट साइड में गई मेरे ख्याल चुंदा वैली है। तो पूरा शहर क्रॉस करके अभी लैंडिंग गियर की तरफ जा रहा है जहाज़ लैंडिंग की तरह। तो अभी वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, कभी लेफ्ट राइट जहाज़ होता रहता है, जो स्पेशली स्कर्दू की फ्लाइट है ना इसके अंदर जिसने भी फ्लाइट की है उसे आइडिया होगा लेफ्ट और राइट जहाज़ होता रहता है। और अभी ये बस रनवे के ऊपर जहाज़ आ गया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है इसकी हाइट। हाँ जी ये रनवे और अभी जो है ना फाइनली मेरे टच डाउन करेगा। अब देखते हैं पायलट कैसा टच डाउन करता है। ये रनवे आ गया और ये जी आ गया इसका टच डाउन हो गया, फाइनली जहाज टच डाउन हो गया सक्सेसफुली। लैंडिंग तो अच्छी होगी, मजे की फ्लाइट थी। फाइनल लैंडेड एट स्कर्दू, ये मैं सेकंड टाइम लैंड कर रहा हूँ स्कर्दू में, फिर मैं सेकंड आया। लेकिन इस बार मेरी जो फ्लाइट थी ना वो ज़्यादा मज़े की थी, मज़ा आया है, ज़्यादा इन्जॉय किया। इसके रीज़न ये है कि वेदर भी क्लियर था और साथ में सनी था और अब आप ये देखें देखिए जिस कर दो
ये इस जगह पे हमने लैंड किया अभी और सेकंड टाइम है, लेकिन इस बार पता नहीं कुछ ज़्यादा मज़ा आया। ये सारा एक वैली है और उसके अंदर आप लैंड करते हैं और सारा रेगिस्तान है। चलो अभी फाइनली कर दूँ तो आगे नेक्स्ट है होटल की तरफ जाता हूँ और जाके चेक करते हैं भी क्या अब नेक्स्ट क्या प्लान करना है। गर्मी काफ़ी है, 28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये है कि मज़ा आ रहा है। उस तरह की गर्मी नहीं जैसी यहाँ पंजाब में थी, यहाँ पे भी ज़रा मज़े की गर्मी है। 45 मिनट्स की फ़्लाइट से ज़्यादा नहीं थी, इससे ज़्यादा फ्लाइट होती भी नहीं है। बड़ा जहाज़ और पायलट भी एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे जो है ना फ्लाइट नॉर्मल सी होती है। ये आप देखेंगे हैं जी काराकोरम, और ये काराकोरम की ब्यूटी है सारी कि बड़े ह्यूज माउंटेन्स हैं। ये तो चलो अभी खुश पहाड़ है, लेकिन आगे जब आप जाएंगे ना टेसाई साइड पर तो वहाँ पर ज़रा हाइट आ जाती है। वेदर अच्छा है, प्लेजेंट वेदर है, कोई गर्मी नहीं है। 28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये वो वाली गर्मी नहीं है पंजाब वाली, नॉर्मल सी गर्मी है। बल्कि मेरे ख्याल से यहाँ पे पंखे भी शायद यूज़ ना हो। ये भी छोटा सा एयरपोर्ट है स्कर्दू का, ये देखिएगा। और लेकिन ये है कि अच्छा है, फ़्लाइट अच्छी है और अच्छा है कि यहाँ से नॉर्मल रेगुलर फ़्लाइट चलती रहती हैं कि यहाँ पर टूरिज़म चल रहा है। गाड़ी है भी, गाड़ी में बैठ के अब स्कर्दू चलते हैं, स्कर्दू सिटी। अब यहाँ से एयरपोर्ट से शंग्रीला तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है और जो एयरपोर्ट से स्कर्दू सिटी भी 10-12 किलोमीटर दूर है। तो नॉर्मली ना शंग्रीला बहुत दूर पड़ता है आपको ना स्कर्दू सिटी से, तो प्लान यही है कि अभी स्कर्दू सिटी जाते हैं, वहाँ जाके होटल में स्टे करेंगे।